वफा है शजरे ममनू यहाँ। आ ये किस जगह आ गए? तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो आलिया? मैंने तुम्हें बताया तो है कि आज की तकरीब के लिए कपड़े खरीदने हैं। क्या मतलब, तुम यहाँ से लोगी कपड़े? ऐसा ही है, लेकिन तुम चाहो तो आम कपड़े पहन सकती हो। क्या तकरीब की कोई थीम है जो हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे? नहीं, थीम वगैरह कुछ नहीं है, मगर मैं तो इस तरह की तकरीबात में जाती रहती हूँ ना, तो वहाँ सब कारोबारी लोग आते हैं और उन्होंने तकरीब के हिसाब से ही कपड़े पहने हुए होते हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से जाना चाहिए वहाँ, और इस तरह हमारे कारोबार को भी फायदा पहुँचता है। हर वक्त तुम्हें फिक्र रहती है कारोबार की। काश कि तुम भी कारोबार की इसी तरह फिक्र करने लगो यिल्दिज। तो मुझे भी ऐसी रिवायती जोड़ा पहनना चाहिए? जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं, बताओ। यिल्दिज देखो, तुम इस तरह की तकरीब में पहली दफा जाओगी, ठीक कहा ना मैंने? तो इस तरह अजीब लगोगी, आम कपड़े पहन लेना। कोमल ने मुझसे कहा कि मुझे उसके बाबा के साथ अच्छा नजर आना चाहिए, यानी कि वो खुद एक रिवायती जोड़ा पहनेगी, तो मैं आम से कपड़े क्यों पहनूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे यिल्दिज, कोमल से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें काले रंग का लिबास पहनना चाहिए, तुम उसमें बहुत प्यारी लगोगी, यकीन करो मेरा। छोड़ दो ये सब, ठीक है मेरी जान? मुझ पर सब रंग अच्छे लगते हैं, सिर्फ काला ही नहीं। तुम भी जलती हो मुझसे, चुड़ैल कहेंगी। भाई, आपने कहा था कि अगर दुआन साहब आ जाए तो इत्तला करना मुझे। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं भाई? उससे बात करने। कहीं वो कोई तमाशा ना करें। कर ले, उसे जो करना है वो कर ले। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं अकेला जाऊंगा, इससे ज्यादा अहम काम करना है तुम्हें। वो क्या भाई? सादिक, समी के बेटे का पता लगवाओ। क्या हो गया, बहुत परेशान लग रहे हो। इस बार तो तुमने खुल के औकात दिखा दी है। मुझे लगा शादी की मुबारकबाद देने आए हो। क्या समझते हो, अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझते हो क्या? जुनेद, मुझे ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं। मैंने तुमको शुरू से ही कहा था कि मुझसे दूर रहो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। दुआन में तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, तुम हमारी जिंदगियों और इस कंपनी से घुटनों के बल बाहर जाओगे। जुनेद, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर किस बात का इतना गुरूर है। शायद इसलिए कि तुमने मेरे जैसे आदमी का कभी सामना नहीं किया है अपनी जिंदगी में। ये तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं है दुआन। तुम जैसे कई घटिया लोगों से मिला हूं मैं। एक इंतहाई कमजोर इंसान हो तुम, जो दूसरों के घरों पर नजर रखता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जुनेद से उलझकर। जुनेद, अपनी जिंदगी के तमाम अहम रिश्तों को खो दिया है तुमने, जानते हो ना तुम, और अब नौकरी भी खोने वाले हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा जुनेद कि मुझसे दूर रहो। बहुत जल्द तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा, तुम अपनी एड़ियां रगड़ते रह जाओगे, देख लेना। मैं फैसला करूंगा क्या करना है। हंसते रहो कुछ देर और। खुश आमदीद कोमल, मेरे घर में मुझे ही खुश आमदीद। हाले जान देखो, तुम्हारी आपा आ गई, सलाम करो इन्हें। हेलो मेरी जान। हैरत है ये तुम्हें पसंद करता है। हैरत की बात क्या है? क्योंकि बच्चे महसूस कर लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, बस इसलिए कहा मैंने, और इसी बात की हैरत है मुझे। तो ये बात है, यानी अगर आप इसकी नानी ना होती तो ये आपसे शदीद नफरत करता। हंसाने के लिए काफी अच्छा मजाक किया है तुमने। हाँ हंस लो, जरूरी है। हालिद जान, क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्या मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? जरा रुको, मैं इसे उतार लूं, बहुत तंग कर रहा है मुझे ये। क्या मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती हूँ, क्यों ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी आया रख ली जाए? क्या कहते हो तुम इस बारे में? मैं हूँ उसके साथ, उसकी जरूरत नहीं है। चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ इस तरह। ये क्या है तुम्हारे गले में, हार है क्या? अच्छा है बहुत।
जाहिर सी बात है अब तुम अकेले तो बोर होगे ना, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है तुम्हारा, है ना? ठीक है, इस बारे में मैं आपसे जाने से पहले बात कर लूंगा, अब आप जाइए। ठीक है सर। क्या हो रहा है दोस्तों, हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे कोमल के बारे में क्या ख्याल है अब तुम्हारा? उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है, जुनैद से उसकी बात नहीं बनी तो मेरे पास आई, हद है भाई। उमर, जुनैद के साथ ताल्लुक उसने खुद खत्म किया है, इसका मतलब उन दोनों की आपस में नहीं बनी। हाँ बिल्कुल यार, देखो चाहे वो जितनी भी घमंडी हो लेकिन कम से कम तुमसे मिलने तो आई। तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर दूं? हम माफ करने का नहीं कह रहे, लेकिन इतनी नफरत भी मत करो उससे, आगे क्या होना है किसे मालूम। खैर दोस्तों, मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहता, इस बात को यहीं खत्म करो। कोमल साहिबा आपके मसाज के लिए आ गई हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है, चलो बेटा तुम खेलो अकेले, जितने भी मजे करने हैं कर ले, यहाँ पर वक्त नहीं है आपके पास इतना। जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है मुझे। आयशा, आयशा जी, हाथ खोलो जरा। ये क्या है अस्मा साहिबा? जब कोमल मसाज करा ले तो उसके बिस्तर के नीचे रख देना, ये समझ गई तुम? जी ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इतना भी क्या मुश्किल है आयशा, जो चाल वो मेरे साथ चलना चाह रही थी वो मैं उसके साथ चलूंगी, उसके बाबा के आगे वो शर्मिंदा होगी, उस एजगी से मोहतात रहना, समझ गई? चलो अब जाओ जल्दी। ठीक है। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किससे उलझ रही हो कोमल। आ जाएं। यल्दिस। अब क्या हुआ अम्मी? आज रात कोमल की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। वो कैसे? उसे लगता है वो मुझे नीचा दिखा सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। क्या मतलब नीचा दिखा सकती है? आप जरा बताएं मुझे कि ऐसा क्या किया है उसने? एजगी ने आयशा को बताया है कि वो मुझे चोर साबित करना चाहती है ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। क्या? अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं उसे बालों से पकड़ के सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगी, हालत की तरह। ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो, मैंने जो करना था कर दिया, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। बताएंगी आपने ऐसा क्या कर दिया है? बेटा कयामत तो आज रात आएगी, तुम भरोसा रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा होगा। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे हैरत है कि तुम हमारे साथ दावत में चल रही हो, तैयार होने का वक्त है तुम्हारे पास? बाबा मैं यिल्दिज़ के साथ आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर आप उसे लेकर नहीं जा रहे तो मुझे कोई मसला नहीं। कोमल हमारी इस बारे में क्या बात हुई थी? बस ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, वैसे पहले ही दिन उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। क्या मतलब इस बात का? खैर रहने दें, फिर से बुरी नहीं बनना चाहती, मैं जाकर तैयार होती हूँ। कोमल क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आसमा साहिबा ने मेरे बुंदे चुरा लिए। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मसाज के लिए जाते वक्त मैंने बुंदे यहीं रखे थे, वापस आकर देखा तो यहाँ नहीं थे। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना। जी बाबा जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हमने आपकी बातें सुन ली हैं। अगर आपने सुन लिया है तो क्या करूँ मैं? तुम क्या कह रही थी मेरे सामने, कह के दिखाओ जरा। तुम्हारी अम्मी ने मेरे बुंदे चुराए हैं। कोमल मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझती थी जो कि बेहुदा औरतों वाली हरकत नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत निकली, कहीं अकेले रह जाने की वजह से दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देख रहे हैं कैसे बात कर रही है मुझसे, शुरुआत तुमने की थी। हमें आराम से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। कोमल ने अपने बुंदे खुद छुपा दिए हैं और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये दोनों के दोनों ही पागल हैं। मेरी अम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। आयशा ने सफाई के दौरान तुम्हारे बुंदे खुद देख लिए थे, मेरे ख्याल से झूठ बोलना बंद कर दो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है तो ऊपर चल के मेरे कमरे में देख ले। रुक जाओ, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। इसने मेरी अम्मी पे चोरी का इल्जाम लगाया है दुआन। ठीक है चलते हैं ऊपर, सच क्या है सब देख लेंगे। चलो आ जाओ फिर मेरे साथ। कहाँ फंस गया मैं? मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ तुम्हें, कोमल ने अपने ही कमरे में अपने बूंदे कहीं छुपा दिए हैं ताकि वो मुझ पर इल्जाम लगा सके। आसमा साहिबा अपने आप को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है, आपके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। दरअसल बात तो यह है कि तुमने हमें अपने हवासों पे सवार कर लिया है। मैंने नहीं, तुम लोगों ने किया है। खड़े क्यों हैं? मेरे कमरे का एक एक कोना देख सकते हैं आप लोग। चलें अम्मी शुरू करें, देखते हैं कि ये सच कह रही है या फिर झूठ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ हो सकते हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे होंगे। कोई खुफिया लॉकर तो नहीं है तुम्हारे पास? मुझे लगता है अब आपका कमरा देख लेना चाहिए हमें। बस बहुत हो गया, अब ये बकवास खत्म करो। बाबा कितनी अफसोस की बात है कि ये लोग मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं लेकिन मैं इनके कमरे की तलाशी नहीं ले सकती। इसे नाइंसाफी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारे कमरे की भी तलाशी ले सकती हो। चलो माफी चाहती हूँ। हाँ तो वैसे तो मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे। अरे प्लीज कोई बात नहीं, ढूंढ लो। देखिए ये रहे मेरे बुंदे। हाँ एक मिनट, जैसा नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं। क्या सच में? अगर ये बात है तो मेरे बुंदे आपके कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि तुमने ही रखे होंगे यहाँ पर। रुको जरा, दुआन साहब जैसा नजर आ रहा है ऐसा नहीं है। मैं जानती थी कि कोमल मेरे साथ क्या करने वाली है इसलिए मैंने इसके बुंदे इसके कमरे में छुपाए थे। चुप हो जाए। देख रहे हैं ना आप बाबा कि किस किस्म के लोग हैं ये। यिल्दिज़ कुछ नहीं जानती इस बारे में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। बाबा आपने देख लिया ना कि इन लोगों की क्या क्या हरकतें हैं। चालें चलना, लोगों के साथ बुरा करना, चोरी करना, यही तो इन लोगों की फितरत है। चोरी करके अदाकारी अच्छी की थी लेकिन किसी काम नहीं आई। जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। इससे भी बड़ी इयररिंग्स हैं मेरे पास, बेफिक्र हो जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मिल गया ना जो ढूंढ रहे थे। ठीक है यिल्दिज़ अब दावत में चलो, बहुत देर हो रही है हमें। आप चले मैं आ रही हूँ। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ लें, पसंद आए ना आपको। भाई अम्मी कितना शानदार प्लान बनाया था ना आपने, है ना? तुमने देखा नहीं कि उसने पहले ही सब कुछ सोच रखा था? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जलील हो गई। या अल्लाह कोई जिल्लत नहीं हुई हमारी। मुझे अभी तैयार होना है, दुआन इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। क्या खबर लाए सादिक? समी के बेटे का पता लगा लिया मैंने। जबरदस्त, बताओ कौन है? आकिफ नाम है उसका, कुछ अरसे से बाहर था लेकिन अब वापस आ गया है यहाँ पर। अच्छा है, तो कहाँ रहता है उसको पता मालूम हुआ? वो जिस क्लब में जाता है उसका भी पता लगा लिया है मैंने। बहुत जबरदस्त काम किया, चलो चलते हैं। ठीक है भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यिल्दिज़ ने सिर्फ आपसे माफी मांगी? नहीं, उसने बहुत कुछ बताया मुझे। वो ये भी जानती थी कि मेरे और दुआन के दरमियान कुछ नहीं और इसीलिए उसने बिला झिझक दुआन से शादी कर ली। फायदा उठाया है उसने। वैसे देखा जाए तो वो सही कह रही है, कोई रिश्ता तो नहीं था आपका दुआन के साथ। लेकिन कोई रिश्ता हो सकता था कोयल। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप यिल्दिज़ को बता देती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता ना। एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मैंने उससे, बस उससे इतना कहा कि वो परेशान ना हो। मैंने उसके सामने इंतहाई पुरसुकून रवैया रखा था। सच पूछे यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, आपने लोगों की गलतियां भुला कर उन्हें माफ करना सीख लिया है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कुछ नहीं सीखा और ना ही मैं कभी कुछ ऐसा सीखना चाहती हूँ कुंवर। अभी तो आपने कहा आपको कोई मसला नहीं। हाँ कुंवर, लेकिन मुझे फिक्र है कि कोई और मसला भी हो सकता है और यही बात है कि मैं मुस्तकिल इसी बारे में सोच रही हूँ। और तुम देखना मेरे भाई, यिल्दिज़ को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी तो बस हो गई है अब। अभी कहाँ हुई है, अभी तो शुरुआत है बस। चलिए ठीक है, आपको मुझसे तो कोई काम नहीं है ना, मुझे कैफे छोड़ दीजिए और आप अपनी दावत पर जाइए, मुझे वैसे भी बहुत काम है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। शुक्र है। चलें फिर, आप मुझे कैफे छोड़ दीजिए फिर चले जाइएगा। ये तो बताओ जो तुम इतने पैसे कमाते हो वो जाते कहाँ है कुंवर?
तुम्हारी कोई खास दोस्त भी नहीं है जिस पर तुम अपने पैसे खर्च करो। हाँ, एक गाड़ी खरीदने के बजाय तुमने मुझे अपना ड्राइवर बनाया हुआ है। ये पैसे जमा करके आखिर करोगे क्या तुम? मैं अपने कफन के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, मरने के बाद हो सकता है आप वो भी ना दे सके मुझे। मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जियोगे, वो भी हजारों साल, ताकि तुम मेरे काम आ सको। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। आसमा साहिबा, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आसमा साहिबा, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने बुंदे बेड के नीचे रखे थे। तो फिर क्या वो उड़कर मेरे कमरे में आ गया आयशा? हाँ, और देखा तुमने, हम तो पहले ही दिन जलील हो गए, हम ही कसूरवार निकले। एसजी की बातों का मैंने बिला वजह यकीन कर लिया और आपको आके बता दिया। उस एसजी ने तुम्हें धोखा दिया है, वो कोमल के लिए काम करती है, कैसे सच बोलेगी वो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने उस पर भरोसा किया। और उस पर भरोसा? अब हमें उसको सबक सिखाना पड़ेगा, वो नहीं जानती किससे वास्ता पड़ा है उसका। तो अब हमें क्या करना चाहिए आसमा? मैं कुछ नहीं जानती आयशा, सोचने दो मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे मुझे उसे डराना ही क्यों ना पड़े। खैर, अब अपनी आंखें खोल के रखना जरा, हमेशा उल्टे काम करती हूँ। तुम्हें यकीन है कि वो यही मिलेगा? हाँ, यकीन है यही मिलेगा। चलो ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है भाई। आके फोन दर हो गए यहाँ पर? मालूम करता हूँ, एक मिनट इधर आना जरा। हाँ क्या हुआ? देखो क्या आकिफ है। देखता हूँ। मेरे ख्याल में आज वो जल्दी चले गए। आज तो वो जल्दी चले गए, लेकिन कल रात को आएंगे यहाँ। चलो ठीक है, मेरा नाम जुनैद कोयोजो है, ये रहा मेरा कार्ड, उसे कहना कॉल कर ले मुझे आज से, एक जरूरी काम है। ठीक है, बता दूंगा उन्हें। कॉल का इंतजार करूंगा मैं, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। वेलकम मैडम, ये कोट मुझे दे दे। वेलकम। बहुत शुक्रिया। हाँ रुके, पहले मैं इसे पहन लेती हूँ, फिर चलती हूँ। शुक्रिया। ये क्या है? दरअसल ये मुझे लगा इस तकरीब की यही थीम होगी, इसीलिए पहना मैंने ये। मैं आप लोगों से दूर ही रहूंगी, तकरीब के बाद मिलते हैं हम लोग। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगा था लोग मुझे इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह के कपड़े पहने। यकीन करो, बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलिया। हेलो। हेलो आलिया। आलिया, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो हमने खरीदे थे? हाँ वो दरअसल आखिरी मौके पर मेरा मूड चेंज हो गया। खैर एक बात है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम कैसे हो दुआन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत ही अच्छी। कुछ पियोगी तुम? हाँ कुछ पीने के लिए ऐसा लेकर आए जिससे मैं गायब हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। क्या है ये आलिया, ऐसा क्यों किया? ये गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है यिल्दिज। देखो तुमने भी दुआन से शादी कर ली जिस पर मेरी नजरें थी, तो क्या शादी करते वक्त तुमने मुझसे पूछा था और मैं अपनी मर्जी से एक ड्रेस भी नहीं पहन सकती? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इस बारे में बात हो गई थी और तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। हाँ, ऐसा ही है। ये बताओ ये तुम खाओगी क्या? जी आ रही हूँ। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ये वही है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और ये मेरी बीवी यिल्दिज। हेलो यिल्दिज साहिबा, कैसी हैं आप? मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। वाओ, आपका ये लिबास बहुत अच्छा लगा। हाँ। आपने तो हमारी महफिल को चार चांद लगा दिए। हमारा रिवायती लिबास पहनकर हमारी पार्टी में आना बहुत ज्यादा काबिल रश्क है। देखेंगे, सिर्फ मेरा आइडिया था। यकीन जाने हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। शुक्रिया आपका। सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरे साथ आएंगी? मैं अपनी शरीके हयात से मिलवाता। जी जी बिल्कुल।
देख रही हो ना आलिया? क्या इसे जोकर बनने का मशवरा तुमने ही दिया था आलिया? हाँ, कह सकती हो तुम ऐसा। जबरदस्त, जिसने तुम्हारा दोस्त तुमसे छीन लिया तुम उसकी मदद करती फिर रही हो। मैं एक नेक नियत इंसान हूँ कोमल जान। तुम्हारी नियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ आलिया। वैसे ये बहुत बचकाना हरकत की है तुमने, क्या बाकी हरबे भूल गई हो? कोमल, मुझे अगर किसी से बदला लेना हो तो मैं उसका इस दुनिया से खामोशी से नामो निशान ही मिटा देती हूँ। तो ये बात है, यानी उसे पता भी ना चले और तुम उससे बदला भी ले लो। वैसे काफी अच्छा सोचा है। शाम बखैर ख्वातीन और हजरात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप सबकी आमद ने आज की शाम को बहुत खास बना दिया है। आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आज की शाम जिल्द साहिबा ने हमारा रिवायती लिबास पहन के इस महफिल को चार चांद लगा दिए हैं। आप भाई आई। क्या स्टेज पे आऊं मैं? गुड लक गिल्डिस। मुझे स्टेज पे बुलाने का बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं बात करूं? जी, कुछ कहिए। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। बहुत शुक्रिया इनका। इनका रिवायती लिबास पहना हुआ है मैंने। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यल्दे साहबा। आज की महफिल में दुआन साहब और यल्दे साहबा रक्स की इब्तिदा करेंगे। तो इसका मतलब मुझे डांस भी करना होगा। आ जाए दुआन। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ तो दुआन साहब, कैसा लग रहा है आपकी बीवी यहाँ आके मशहूर जो हो गई? तुम डांस अच्छा कर लेती हो वैसे। वैसे तो मैं स्कूल के बच्चों की तरह डांस कर रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी अच्छा लग रहा है। इन दोनों को साथ में कैसे बर्दाश्त कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। यिल्दिज़ तो अपने कपड़ों को लेकर बहुत शर्मिंदा थी, मगर देखो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और तुम एक कोने में खड़ी होकर तमाशा देख रही हो। तुम्हें जिस बात पर गुस्सा है वो मुझे खुलकर बताओ कोमल। ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, मगर अगर इनकी शादी कामयाब हो गई तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास कोई मशवरा है मेरे लिए? अभी तो नहीं, मगर बहुत जल्द दूंगी। मगर पहले हमें एक दूसरे पे एतमाद करना होगा। शुक्र है जो चीज सर पे बांधी हुई है वो गिरी नहीं। सिंगर रियाना भी आई हुई है क्या? आए, मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि वो वहां की बहुत मशहूर सिंगर है। बाय बाय कोमल। बाय बाय। आ रही है वो। गुड इवनिंग आलिया साहिबा। गुड इवनिंग गाइस। आलिया साहिबा, आपने कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई नया शख्स आया है, क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? आलिया साहिबा, क्या आप जल्द शादी करने वाली हैं? आपने बताया था कि वो एक मशहूर कारोबारी शख्स हैं, क्या हम उनका नाम जान सकते हैं? क्या उनका नाम बताएंगी हमें? सबका शुक्रिया आलिया साहिबा, प्लीज उनका नाम तो बताती जाए। क्या आलिया साहिबा, प्लीज उनका नाम तो बता दीजिए हमें। आपकी जिंदगी में कौन खुश नसीब है जिससे आपकी शादी हो रही है? प्लीज आलिया साहिबा बताइए हमें। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, प्लीज हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए। आलिया साहिबा प्लीज बताइए, आलिया साहिबा प्लीज हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। प्लीज हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, कुछ तो बताइए, जानना चाहते हैं। आलिया साहिबा प्लीज, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा। ये मैंने क्या किया? खैरियत तो है, अब क्या हो गया? यिल्दिज़ को मैंने इतनी आसानी से इतना मशहूर बना दिया, हद है कुंवर। वैसे आपा,
इस सब में यिल्दिज का कोई कमाल नहीं है। यिल्दिज अब कोई मामूली औरत नहीं, दुआन की बीवी है। अगर वो कोई आम से भी कपड़े पहनकर जाती तो लोग उसे नजरअंदाज नहीं करते। ये सब दुआन की मेहरबानी है आपा। आह कुंवर, सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो वैसे ही मेरे दिमाग में कल से उस कोमल की बातें घूम रही हैं। उसका तो काम ही यही है उल्टी सीधी बातें करना। अब क्या कहा उसने? उसने कहा कि दुआन और यिल्दिज की शादी हकीकत भी हो सकती है। क्या मतलब? दुआन यिल्दिज को पसंद करता है और ये बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन आपा, यिल्दिज तो पसंद नहीं करती ना। मेरी जान, बात ये है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं और दुआन से मोहब्बत किए बगैर कोई इंसान कैसे रह सकता है। और जब वो साथ रहेंगे तो उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी और उससे ये होगा कि हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। कुंवर, तो आप कह रही हैं यिल्दिज को दुआन से अलग करना पड़ेगा हमें? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर से ये रिपोर्टर्स तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, बार बार पूछते हैं कि कौन है वो, कौन है मेरी मोहब्बत, कौन है वो। पापा, खुदा के लिए उनको अभी कोई भी जवाब मत दीजिएगा। कोई तो जवाब देना पड़ेगा कुंवर, वरना वो लोग मुझे झूठा समझेंगे। आपा, इस वक्त ये जरूरी नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि दुआन को और यिल्दिज को अलग कैसे करना है, और इसके लिए हमें कोमल से ताल्लुकात बढ़ाने होंगे, फिर आपके लिए भी किसी को ढूंढ लेंगे। कोमल से तो मैं खुलेआम नहीं मिल सकती, यिल्दिज को पहले ही हम पर शक हो गया है। और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका सीधा शक मुझ पे और कोमल पर जाएगा, समझे? और आप दुआन को हाथ से जाने नहीं देना चाहती? बिल्कुल नहीं जाने दूंगी कुंवर, वो इस वक्त कंपनी का सबसे ताकतवर इंसान है, उसे मैं किसी हाल में भी जाने नहीं दे सकती। तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आपा, बैठ कर तमाशा ही देख सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम देखते जाओ, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि सब दंग रह जाएंगे। पर ये होगा कैसे? तुम्हें और सबको पता चल जाएगा सही वक्त आने पर। हाय, देखें, आलिया का प्लान उसी पे भारी पड़ गया। मुल्क के हर बड़े मैगजीन में मेरे ही चर्चे हैं। बेड़ा गर्क हो उसका यिल्दिज, वो किसी भी तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उसके कुछ करने का अंजाम ये होता है तो शौक से करती रहे। अच्छा, ये सब छोड़ो यिल्दिज, ये बताओ कि दुआन साहब ने तुमसे मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की? उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ भूल जाए वो। अल्लाह करे कि वो भूल जाए। क्या चल रहा है? क्या अपनी अम्मी के साथ मिलकर कोई प्लान बना रही हो? हमें प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्लान कैसे बिगाड़ने हैं ये बात कर रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम लोगों की फजूल बातों के लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कोमल, मुझे लगता है अब तो तुम्हें हमारी मौजूदगी की आदत हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारे बाबा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें जलन हो रही होगी, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। तुम्हें आदत हो जानी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि अब हमें भी इसी घर में रहना है ना। तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जितना एंजॉय करना है कर लो। तो फिर आ जाओ, साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं, इस तरह बातें भी हो जाएंगी, थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। आ जाओ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे ही घर में मेहमान समझा हुआ है इन लोगों ने। कुछ नोट किया आपने? इसने मेरे जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, हर चीज मेरी कॉपी कर रही है ये। जब तुमने ऑफिस के बजाय कहीं और बात करने का कहा तो मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सही, मैं तो हैरान था कि तुम अभी तक बीच में क्यों नहीं कूदी हो। उन्होंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान किया है आलिया, और तुम जैसी मजबूत औरत के लिए सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। यानी तुम समझ ही गए हो कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? बिल्कुल, यिल्दिज और दुआन ने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है और तुम उनसे इंतकाम लेने के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन के पास चली आई हो। अब कोई अगर ना समझे तो वो तो बेवकूफी होगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जो कुछ तुमने बताया वो बताना बहुत आसान था, लेकिन मेरे दिमाग में तो और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे दिमाग में जो भी है आलिया, लेकिन यकीन जानो मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। अपने लिए बहुत ही मजबूत साथी की जरूरत है मुझे, लेकिन वो तुम नहीं हो सकती। वाकई में ठीक है, मेरे ख्याल से अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो बहुत मजबूत हो सकते हैं। किसने कहा कि मैं तुम पे एतबार करूंगा? शर्म करो जुनेद, जुनेद अपनी बीवी पे भी एतबार नहीं करोगे? कुछ समझा नहीं मैं। शादी कर लो मुझसे, तो उससे हमारे शेयर्स भी एक जगह आ जाएंगे।
एक तरफ दुआन और यिल्दिज़ और दूसरी तरफ तुम और मैं। आलिया, इस वाकये ने तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा तुम पर असर डाला है। अगर पता ना होता मुझे तो मैं यही कहता कि तुम दुआन से शदीद मोहब्बत करती हो। मुझे लगा था कि तुम कंपनी में मजीद आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे ही है, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन क्या अब सिर्फ शादी हल है इसका? जुनेद, तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता, और तुमने इसी वजह से कितनी औरतों को खो दिया। यिल्दिज़, कोमल, फेसा, लेकिन किसी भी औरत को खुश नहीं रख सके तुम कभी। और जुनेद, मुझे लगा था कि इस बार तुम कुछ होश के नाखून लोगे, मगर मुश्किल है। आलिया, अब मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूं, न तुमसे और ना ही किसी और से। ठीक है, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर, हो सकता है तुम्हारा फैसला बदल जाए, और मैं तुम्हारा फैसला बदलने का इंतजार करूंगी। ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए। शुक्रिया आश। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आलिया से उलझना मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यिल्दिज़, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार अपनी बात को क्यों बदल रही हो। मतलब मुझे यकीन है कि आलिया इस वाकये के बाद तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी। इसीलिए मैं उससे अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहती हूं। क्या मतलब, क्या चल रहा है दिमाग में? मुझे लगता है कि कहीं कोमल से ना मिल जाए वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुआन की मुखालफत करने की उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। इतने सालों से वो हमारे साथ क्या करती आई है या भूल रही है, उससे कुछ भी तवक्कु कर सकते हैं। तो तुम क्या करोगी यिल्दिज़? आलिया को खुश करने के लिए कि तुम अपने शौहर से तलाक ले लोगी? नहीं अम्मी, आलिया के साथ मुझे अपने ताल्लुकात ठीक करने होंगे, क्योंकि उससे उलझना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। मेरे नजदीक तो बहुत बड़ी हिमाकत होगी। देखना, जब तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। वो जो चाहती है उसे वो दे दूंगी मैं। यिल्दिज़, अगर तुमने उसे अपने शेयर्स दिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, शेयर्स की बात कहाँ से आ गई? हाँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई आ जाए। दुआन से बात करूंगी इस बारे में। दुआन को तो उसके हवाले नहीं कर रही। जी जी अम्मी, बिल्कुल, दुआन को उसके हवाले करने का प्लान है। उसके साथ साथ अपनी सारी कीमती चीजें भी दे दूंगी। अब डराओ मत मुझे। यानी आपका मतलब है कि आली आपसे प्यार करती है? प्यार व्यार नहीं है कोई, सिर्फ शादी का मशवरा है। इस बात का अंदाजा था मुझे कि आपकी शोहरत का फायदा जरूर उठाएंगी। अगर मैंने उसका कहना मान लिया तो अपने आप को खुद अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। इसलिए हमें जल्दी समयोंदर के बेटे को ढूंढना है, ताकि उसे अपने कारोबार में हम अपना शरीक बना सकें। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी है हमारे साथ काम करने में। उसे तो बस अपनी जिंदगी जीनी है। अच्छा, एक बात बताइए भाई मुझे, अगर वो हमारे साथ काम करने के लिए मान भी गया तो फायदा क्या है हमारा इसमें? हमें कोशिश करनी पड़ेगी सादिक, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आपने अपना कार्ड भी छोड़ा लेकिन कॉल नहीं किया अब तक? नहीं किया अभी तक। लगता है मुझे खुद ही उसके पास जाकर मिलना पड़ेगा। क्या लगता है, हमें दिन के वक्त नहीं ढूंढना चाहिए उसे? कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन दिन के वक्त हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? मैं उसके दोस्त को कॉल करता हूँ जिसके साथ वो पार्टी करता है, उसे कॉल करते हैं। हाँ, कॉल करो सादिक, जल्दी करो, जल्दी करो सादिक। वफा है शजरे ममनू।